हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है, और जिन लोगों ने कमेंट करके इस वीडियो के लिए कहा था उनके कमेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो क्लॉक अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर मिलेंगे, और ये सारे फीचर मैं आपको एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। और जो दूसरी क्लॉक आती है, एक छोटी सी क्लॉक होती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, वो कार के लिए ही होती है, लेकिन उसके अंदर उतने फीचर नहीं होते। उस क्लॉक को मैं अपनी गाड़ी में इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उस क्लॉक को लगा के आप उसमें दिन में ही उसका यूज ले सकते हैं, बाकी वो बेकार है क्योंकि हमें गाड़ी दिन में भी और रात में भी ड्राइव करनी पड़ती है। तो क्लॉक ऐसी होनी चाहिए जो हमें दोनों टाइम में जिसका यूज मिल सके। और ये जो क्लॉक मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इसके अंदर सारे फीचर मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए सबसे पहले। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। तो दोस्तों ये है वो स्मार्ट डिजिटल क्लॉक जिसे मैंने अमेज़न से परचेज किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगी तो वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों ये मुझे पड़ी है 430 रुपए में, और यहाँ पर देख सकते हो इसके बॉक्स पर लिखा है स्मार्ट ऑप्टिकल ब्लैक लाइट कंट्रोल LED क्लॉक। और अब जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ और दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमें अपनी स्मार्ट वॉच में क्या क्या फीचर मिल जाते हैं और ये देखने में कैसी लगती है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक मैनुअल यूजर मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता बॉक्स के अंदर। और दोस्तों इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये चाइनीज में है, तो इसको मैं साइड पे फेंक देता हूँ। और यहाँ पर जो इसका साइज दिया गया है वो 3x5 इंच का साइज दिया गया है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसके पीछे के साइड इसके सारे कंट्रोलर दिए गए हैं, और जो ये ऊपर के साइड आप देख रहे हो काफी बड़ा सा बटन दिया गया है, तो इसी बटन के बीच में देख सकते हो एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है, इसी की मदद से रात को इसकी जो डिस्प्ले है क्लॉक की वो ग्लो करने लगती है और टाइम को हम अच्छे से देख पाते हैं बिना किसी परेशानी के। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसके पीछे लगती है 3 बैटरी टीवी रिमोट वाली, जो कि इसके साथ नहीं आती है, वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से ही खरीद के रखी हुई है क्योंकि मैंने इसको पहले ही खोलकर देख लिया था, इसके अंदर बैटरी नहीं मिली थी। तो यहाँ पर मैं ये 3 बैटरी लेकर आया हूँ जो कि 15 रुपए की एक पड़ी है, तो 45 रुपए की बैटरी की कॉस्ट मिलाकर इसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 475 रुपए। और दोस्तों अब जल्दी से इसके अंदर मैं तीनों बैटरी को डाल देता हूँ और इसके टाइम को भी सेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्लॉक ऑन हो चुकी है और यहाँ पर जो इसकी डिस्प्ले की लाइट है वो भी ग्लो करने लगी है। और अब जल्दी से मैं इसके टाइम डेट को सेट कर देता हूँ और उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं और जब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइम वगैरह सब कुछ सेट कर लिया है, और दोस्तों वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसके पीछे जितने भी बटन है उनके ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी उसको बड़े आराम से सेट कर सकता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अब इसको डैशबोर्ड के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पर मेरी गाड़ी में डैशबोर्ड के मिडल में ये मैंने परफ्यूम माइक लगाया हुआ है, तो मैं इसको मिडल में नहीं लगाऊंगा, और दूसरी साइड मेरा बैक कैमरा डिस्प्ले लगा हुआ है तो उधर भी मैं इसको नहीं लगा सकता, तो मैं इन दोनों के बीच में ही इसको लगाने वाला हूँ। और इसको लगाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए डबल साइड टेप, यहाँ पर मैंने 3M की टेप का रोल लिया हुआ है, आप कोई भी डबल साइड टेप यूज कर सकते हो। और दोस्तों अब जल्दी से इसके ऊपर टेप को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, और एक टेप और मैं लगा लेता हूँ दूसरी साइड, ताकि ये डैशबोर्ड के ऊपर अच्छे से चिपक जाए और इसको एक मजबूती मिल जाए। और दोस्तों अब यहाँ से इसकी टेप मैं निकाल देता हूँ और इसको डैशबोर्ड के ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लॉक को रखना है और इसके ऊपर हल्का सा दबाव डालना है, दबाव डालने से क्लॉक अच्छे से चिपक जाएगी डैशबोर्ड के ऊपर और ये जब हम गाड़ी चलाएंगे तो झटकों वगैरह में कहीं नहीं लगेगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले लाइट और सेंसर के बारे में। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर जो बड़ा सा बटन दिया गया है उसको जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाती है और वो फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो इस बटन का मेनली यूज हम तब कर सकते हैं जब रात को हम ड्राइव कर रहे हो और हमने जो इसका सेंसर का बटन होता है वो ऑफ किया हुआ है, तो तब हम इस बटन को प्रेस करके टाइम को बड़े आसानी से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सेंसर बटन ऑन किया हुआ है तो तब इस बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, टाइम वैसे भी दिखता रहेगा। और दोस्तों अभी सुबह के 8:37 हो रहे हैं और अब इसकी शाम की टेस्टिंग भी कर लेते हैं, और अभी शाम के 7:20 हो रहे हैं, बाहर भी थोड़ी सी रोशनी है और केबिन के अंदर भी, तो यहाँ पर सेंसर अभी उतना वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ सेंसर इसका कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही मैं सेंसर के ऊपर हाथ रखता हूँ तो जो डिस्प्ले की लाइट है वो ग्लो करने लगती है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं हाथ को थोड़ा ऊपर रखता हूँ सेंसर से तो लाइट थोड़ी सी कम ग्लो होती है, और जैसे ही नीचे ले जाता हूँ तो यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि जितना ज़्यादा अंधेरा होता जाएगा सेंसर के ऊपर
उतनी ज़्यादा वो लाइट को वो ग्लो करता जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंसर ऐसे वर्क करता है। और दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब हम रात को अपनी गाड़ी को खड़ी कर देंगे घर के अंदर तो क्लॉक की डिस्प्ले ऐसे ही ग्लो करती रहेगी रात भर? जैसे कि अभी देख सकते हो रात के 8 बज चुके हैं और क्लॉक की डिस्प्ले अभी तक ग्लो कर रही है और रेगुलर करती रहेगी ये। तो मैं यहाँ पर केबिन की लाइट पहले ऑफ कर देता हूँ, बिल्कुल अभी अंधेरा हो चुका है और हमारी जो क्लॉक है वो अच्छे से टाइम दिखा पा रही है इतने अंधेरे के अंदर भी। तो दोस्तों हमारा जो सवाल था वो ये था कि अगर गाड़ी घर के अंदर खड़ी है तो तब हमें इस क्लॉक की डिस्प्ले की लाइट को कैसे बंद रखना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्लॉक के पीछे एक सेंसर बटन दिया गया है ऑन ऑफ करने का, जैसे ही मैंने उसको ऑफ किया तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी लाइट ऑफ हो चुकी है इतने अंधेरे में भी। और जब भी कभी रात को ड्राइव पे जाना हो तो इसके सेंसर को ऑन कर लेना, नहीं तो ऑफ ही रखना। ऐसा करने से इसकी बैटरी लंबे समय तक चलती रहेगी। तो आज की वीडियो के जो 5 कमेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर आप भी चाहते हो अगली वीडियो में आपका कमेंट शो हो जाए तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्मार्ट डिजिटल क्लॉक मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।